तो आज हम इंडियन सिनेमा की तरफ से आने वाली 10 बड़ी बिग बजट फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन फिल्मों को 350 करोड़ से लेकर 2500 करोड़ के बजट पर बनाया जा रहा है। ये फिल्में बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ने का दम रखती है, क्योंकि फिल्म को बहुत ही बड़े स्केल पर तैयार किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं इस लिस्ट में कौन कौन सी फिल्में हैं। नंबर 10 पे कंगुआ। ये फिल्म एक हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको सिरुथाई सिवा डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म में सूर्या के साथ साथ दिशा पाटनी फीमेल लीड में और लॉर्ड बॉबी देवल फिल्म के अंदर मेन विलन का रोल प्ले करने वाले हैं। बात करें फिल्म के बजट के बारे में तो फिल्म का बजट 350 करोड़ होगा। ये फिल्म 2024 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है जिसकी शूटिंग सूर्या पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। ये फिल्म अप्रैल 2024 को आने वाली है। फिल्म 3D और IMAX फॉर्मेट्स में भी आ रही है। क्या बात है। नंबर 9 पर है हाउसफुल 5। हाउसफुल 5 हाउसफुल फ्रेंचाइज की 5th मूवी होगी। ये इंडियन सिनेमा की सबसे महंगी कॉमेडी फिल्म होने जा रही है जिसको साजिद नडियाडवाला प्रोड्यूस करेंगे। वहीं फिल्म को तरुण मनसुखानी डायरेक्ट करने वाले हैं। हाउसफुल 5 फिल्म में हमेशा की तरह अक्षय कुमार और रितेश देशमुख लीड रोल्स में नजर आएंगे। इस कॉमेडी फिल्म का बजट मैसिव 375 करोड़ होने वाला है। जी हाँ, फिल्म को बहुत बड़े स्केल पर बनाया जाएगा। ये फिल्म पहले दिवाली 2024 को आने वाली थी, मगर अब ये फिल्म 6 जून 2025 को आने वाली है थिएटर्स में। नंबर 8 पे है वॉर 2। ये फिल्म एक बड़ी एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है जिस फिल्म को अयान मुखर्जी डायरेक्ट कर रहे हैं, जो कि पहले भी ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 सिवा जैसी बिग बजट मूवी को डायरेक्ट कर चुके हैं, जो कि बॉक्स ऑफिस पर डिसेंट कमाई की थी। ये पिक्चर 2019 की ब्लॉकबस्टर वॉर का सीक्वल होगी, जिस फिल्म का बजट 170 करोड़ था। वहीं वॉर 2 को 400 करोड़ के बड़े बजट पर बनाया जा रहा है। फिल्म को आदित्य चोपड़ा प्रोड्यूस कर रहे हैं। वहीं ये फिल्म वायरफ के बैनर तले तैयार हो रही है। ये फिल्म के लीड रोल्स में सुपरस्टार ऋतिक रोशन, जूनियर NTR और कियारा एडवानी दिखाई देंगी। ये बड़ी फिल्म 14 अगस्त 2025 के मौके पर रिलीज होगी पैन इंडिया स्केल पर। नंबर 7 पर है स्पिरिट। ये फिल्म एक कॉप एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है जिस फिल्म को संदीप रेड्डी वांगा डायरेक्शन देने वाले हैं, जिनकी आखिरी मूवी एनिमल एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही है 900 करोड़ प्लस का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके। ये फिल्म प्रभास की करियर की 25वीं फिल्म होगी। फिल्म के अंदर प्रभास एक सिंसियर कॉप का रोल प्ले कर रहे हैं। फिल्म का बजट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 400 करोड़ प्लस होगा। ये फिल्म 2025 तक आने वाली है। फिल्म टोटल 8 भाषाओं में रिलीज होने वाली है। प्रभास की इस मोस्ट एंटिसिपेटेड पैन इंडिया फिल्म को टी सीरीज और भद्रकाली पिक्चर्स मिलकर प्रोड्यूस कर रही है। तो क्या ये फिल्म भी एनिमल की तरह दमदार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर पाएगी? आप सभी को लिखकर बताना है। नंबर 6 पर है पुष्पा 2 द रूल। ये फिल्म 2021 में आई ब्लॉकबस्टर पैन इंडिया फिल्म पुष्पा द राइज का सीक्वल होगी। पुष्पा 2 एक बड़ी एक्शन ड्रामा फिल्म है। फिल्म को डायरेक्टर सुकुमार बड़े स्केल पर तैयार कर रहे हैं। बात करें फिल्म के बजट के बारे में तो फिल्म का बजट 450 करोड़ होगा। वहीं पहले पार्ट का बजट 170 करोड़ था। पुष्पा 2 फिल्म साल 2024 की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है कमाई के मामले में, ऐसा ऑडियंस का मानना है। तो क्या ये फिल्म 2024 की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बन पाएगी? आप सभी को लिखकर बताना है हाँ या ना करके। पुष्पा 2 फिल्म में अल्लू अर्जुन के साथ फहद फासिल और रश्मिका मंदाना जैसे एक्ट्रेस नजर आने वाली हैं। ये फिल्म 15 अगस्त 2024 के मौके पर आ रही है। अब रोल पुष्पा का। नंबर 5 पे रामायण पार्ट 1। ये फिल्म एक काफी बड़ी फिल्म होने वाली है जो कि 3 पार्ट्स में आएगी। फिल्म को डायरेक्टर नितेश तिवारी और रवि उदेवर मिलकर डायरेक्ट करेंगे। फिल्म के लीड रोल्स में रणवीर कपूर, यश और साई पल्लवी दिखाई देंगी। फिल्म में रणवीर कपूर श्रीराम जी के रोल में होंगे और यश रावण के रोल में और साई पल्लवी सीता माता का कैरेक्टर निभाएंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का बजट 500 करोड़ से 600 करोड़ तक के बीच में होगा। ये फिल्म एक काफी बड़ी फिल्म होगी जिसमें VFX ऑस्कर विनिंग कंपनी DNEG का होगा। ये फिल्म को काफी बड़े स्केल पर बनाया जाएगा। फिल्म का पहला पार्ट 2025 तक आने वाला है। फिल्म की शूटिंग इस साल से शुरू हो जाने वाली है।
नंबर फोर पे कल्कि 2898 AD, ये फिल्म एक एपिक साइंस फिक्शन डिस्टोपियन फिल्म होगी जो कि एक फ्यूचरिस्टिक मूवी होगी। फिल्म में प्रभास के साथ कुछ बड़े एक्टर जैसे कि अमिताभ बच्चन, कमल हसन, दीपिका पादुकोण, दिशा पाटनी और दुलकर सलमान भी फिल्म में कैमियो रोल में नजर आने वाले हैं। फिल्म को नाग अश्विन डायरेक्ट कर रहे हैं। बात करें फिल्म के बजट के बारे में तो फिल्म को 600 करोड़ के हैवी बजट पर बनाया जा रहा है। फिल्म का बजट 600 करोड़ होगा ऐसा फिल्म के प्रोड्यूसर ने ऑफिशियली कंफर्म किया है। जी हाँ, फिल्म का 1 मिनट 23 सेकंड का टीज़र जल्दी आने वाला है। रिसेंटली CBFC ने टीज़र को सर्टिफाइड किया है। वैसे कल की फिल्म इस साल 9 मई को आने वाली है थिएटर्स में। नंबर थ्री पे हैं SSMB 29। सुपरस्टार डायरेक्टर SS राजामौली और महेश बाबू की जो एक साथ एक फिल्म आने वाली है उस मूवी का बजट 1000 करोड़ होगा ऐसा रूमर्स है। वैसे राजामौली की आखिरी फिल्म RRR का बजट 550 करोड़ था और फिल्म ने 1387 करोड़ का शानदार कलेक्शन करके एक ब्लॉकबस्टर हिट रही थी। ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये फिल्म 3 पार्ट्स में आने वाली है। तीनों पार्ट का बजट 1000 करोड़ के ऊपर हो सकता है। ये फिल्म एक अफ्रीकन जंगल एक्शन एडवेंचर फिल्म होगी जिसको अपना शानदार डायरेक्शन SS राजामौली देंगे। फिल्म में सुपरस्टार महेश बाबू मेन लीड में नजर आने वाले हैं। फिल्म का प्री प्रोडक्शन का काम शुरू हो चुका है। जी हाँ, और ये बिग बजट पैन वर्ल्ड फिल्म 2025 नहीं तो 2026 में आने वाली है। नंबर टू पे है AA 22। ये फिल्म आइकन स्टार अल्लू अर्जुन की सबसे मच अवेटेड फिल्म है जिस फिल्म को त्रिविक्रम श्रीनिवास जैसे बेहतरीन डायरेक्टर डायरेक्ट करने वाले हैं जो कि अल्लू अर्जुन के साथ 3 बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट मूवी ऑलरेडी कर चुके हैं। तीनों मूवी बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट रही थी और तीनों फिल्मों को ऑडियंस से भरपूर प्यार मिला था। ये फिल्म एक पीरियोडिक फिल्म बताई जा रही है। तेलुगु मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस मूवी का बजट 1200 करोड़ बताया जा रहा है। जी हाँ, इस फिल्म को 1200 करोड़ के मैसिव बजट पर बनाया जाएगा। क्या सच में इस फिल्म का बजट 1200 करोड़ होगा या फिल्म की हाइप को बढ़ाने के लिए ऐसा कहा जा रहा है, ये तो हमें कुछ महीने बाद ही पता चलेगा। ये फिल्म एक बड़ी पैन इंडिया फिल्म होगी जो कि मल्टीपल लैंग्वेजेस में 2025 तक आने वाली है। नंबर वन प्लेस पे है महाभारत। ये भारतीय सिनेमा इतिहास की सबसे महंगी फिल्म बनने जा रही है क्योंकि इस मूवी का बजट काफ़ी हाई होने वाला है। महाभारत इंडियन सिनेमा की सबसे मच अवेटेड और सबसे एक्सपेंसिव फिल्म होगी। डायरेक्टर SS राजामौली इस फिल्म को अनऑफिशियली कई बार अनाउंस कर चुके हैं। इंडिया के नंबर वन डायरेक्टर SS राजामौली का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है जिस फिल्म से सभी को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। फिल्म के अंदर हमको बॉलीवुड प्लस साउथ इंडियन सिनेमा से कई बड़े एक्टर दिखाई देंगे। ये फिल्म एक बड़ी हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म होगी जो कि टोटल 10 पार्ट्स में आने वाली है ऐसा राजामौली ने कहा था। फिल्म का बजट 2000 करोड़ से 2500 करोड़ के बीच में हो सकता है क्योंकि ये एक 10 पार्ट वाला सागा है। तो आप सब महाभारत फिल्म में किस एक्टर को देखना चाहोगे, आप सभी को लिखकर बताना है। वैसे मैं 4 एक्टर को तो इस फिल्म में पक्का देखना चाहूँगा। नंबर 1 पे रामचरण, नंबर 2 पे है यश, नंबर 3 पे है NTR, नंबर 4 पे अल्लू अर्जुन और अजय देवगन, और भी कुछ एक्टर हैं। आप सब इस फिल्म के अंदर कौन कौन से एक्टर को देखना चाहोगे, आप सभी को लिखकर बताना है। तो ये थी इंडियन सिनेमा की तरफ से आने वाली कुछ बिग बजट फिल्में। तो आप सब किस मूवी का वेट कर रहे हो, आप सभी को लिखकर बताना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पर क्लिक करके आप लोग इंडियन सिनेमा की तरफ से आने वाली कुछ बड़ी फिल्मों की जानकारी ले सकते हो। शुक्रिया।